पार्ट वन में हम लोग प्रीपोजिशंस समझते कि प्रीपोजिशंस क्या होता है, यूजेस ऑफ हम लोग ऑन देखे थे, ऑन टू देखे थे, अपॉन देखे थे और उसके ट्रिक्स जाने थे कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड टाइम। प्लेस एंड टाइम को कैसे आइडेंटिफाई करें और इसको भी कैसे एज ए ट्रिक के थ्रू एग्जाम में सॉल्व करें। पहला हम लोग आते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। टाइम में मीनिंग क्या होता है, देखिए वॉच होता है, वॉच में घड़ी में क्या क्या होता है, तीन चीजें होता है ना। पहला होता है आर मतलब घंटा, सेकेंड मिनट एंड थर्ड सेकेंड। इसके अलावा और कुछ घड़ी में होता है क्या? नॉर्मली घड़ी में क्या होता है, आर होता है जो लोग पर आर कितने घंटा हो रहा है, दूसरा क्या होता है मिनट जो बताता है, एंड थर्ड सेकेंड। ठीक, तो जब भी सेंटेंस में एग्जाम में कभी भी अगर बात हो सेंटेंस में आर मिनट या सेकेंड का बात हो, हम लोग को एट लगा देना है, एट प्रीपोजिशंस का यूज करना है। कभी भी कहीं कोई सा भी एग्जाम में अगर जब भी सेंटेंस में आर मिनट सेकेंड की बात हो, हम लोग को आंख बंद करके एट लगाना है। एट हमारा सही प्रीपोजिशन से अप्रोप्रिएट है। बहुत सारे वर्ड्स की जगह हम ऐड लगा देंगे, ऐड समा एप्रोप्रिएट राइट होगा। क्योंकि देखिए घड़ी में कुछ नहीं होता है, बस आर मिनट एंड सेकेंड ही होता है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं बताता है घड़ी। जब भी आर मिनट सेकेंड की बात हो ऐड लगा देना है। ये हमारा फर्स्ट ट्रिक था कि जब भी टाइम का बात हो आर मिनट सेकेंड उसमें हमारा ऐड लगाना है। एंड सेकेंड ट्रिक आते हैं देखिए कैलेंडर। कैलेंडर मतलब जो भी हम लोग डेट्स टाइम जो भी देखते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में क्या होता है, चार चीज होता है ना। पहला क्या होता है कैलेंडर में, डेज। कैलेंडर क्या था, मैं डेज बता रही कौन सा दिन है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्या है। थर्ड क्या, सेकेंड क्या बताता है, डेट्स कि अच्छा आज मंडे है तो मंडे को कौन सा डेट है ये बताता है। थर्ड क्या बताता है, मंथ्स कि चलो यार आज तो दो तारीख है मंडे है, तो दो तारीख मंडे बस किस मंथ में है, कौन बताता है कैलेंडर, जनवरी फरवरी जो भी मंथ हो। एंड लास्ट कौन सा ईयर कि अच्छा कौन सा ईयर है, अगर आज दो तारीख मंडे है, मंडे जनवरी में है तो जनवरी में कौन सा ये 2018 है कि 15-16 ये बताता है। तो कैलेंडर का मीनिंग क्या काम होता है, पहला डेज बताना, दूसरा डेट, तीसरा मंथ एंड लास्ट इयर्स। तो अब जब भी सेंटेंस में जहाँ भी देखिए डेज एंड डेट का बात हो, जो हम पहले ही बता चुके थे यूजेस ऑफ ऑन में, जब भी डेज एंड डेट्स का बात हो सेंटेंस में हम लोग को ऑन लगाना है। एंड थर्ड सेकेंडली जब भी मंथ एंड ईयर का बात हो, जब भी मंथ एंड ईयर सेंटेंस में दिया हो, एग्जाम्पल्स में दिया, किसी भी एग्जाम्पल में किसी भी सेंटेंस में दिया हो, इन लगाना, यूज ऑफ इन। जब भी अगर मंथ एंड ईयर का बात हो इन 2000 ईयर्स में, मानो 2009, 8, 7, 6 कुछ भी मंथ्स का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मंथ कुछ भी हो, उसमें हम लोग को इन लगाना है। ये हमारा पहला ट्रिक था कि जब भी आर, जब भी मिनट का बात हो, घड़ी का बात हो, आर मिनट टाइम सेकेंड, जब भी टाइम का बात हो रिलेटेड हो, हम लोग को प्रीपोजिशंस का एट यूज करना है। कैलेंडर की बात करें, जब भी कैलेंडर हम लोग डेज एंड डेट्स का आते हैं, जब भी डेज एंड डेट्स का हमारा ऑन यूज होगा। एंड लास्टली जब भी मंथ एंड ईयर का बात हो सेंटेंस में, जब भी हमारा इन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए पहला आर एग्जाम विल बी हेल्ड इन जून मंथ। ये देखिए जून मंथ के बारे में बात किया ना, मंथ था तो मंथ में क्या ट्रिक था हमारा इन, हमारा इन हो गया। तो क्या हो गया, हमारा एग्जाम विल बी हेल्ड इन जून मंथ, क्यों मंथ का बात हुआ ना, मंथ का ट्रिक था। जब भी मंथ आएगा हमारा इन हो जाएगा, बताए थे ना मंथ एंड ईयर आएगा तो इन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, माई बर्थडे इज ऑन 29 दिसंबर। मेरा बर्थडे कब है, 29 दिसंबर में है। मतलब आप किसका बात किया है, डेज का बात किया है। डेज का क्या था ट्रिक, जब भी डेज एंड डेट रहेगा ऑन, तो हमारा क्या लग गया यहाँ पे, ऑन लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, आई विल मीट यू एट 2 o'clock। अब तो घड़ी का बात कर दिया इसमें 2 o'clock, तो जब भी टाइम का बात हो क्या बोलते हैं, जब भी आर मिनट सेकेंड कुछ भी हो हमारा एट लगेगा। तो हमारे यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन यूज हो गया, एट प्रीपोजिशन हो गया। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर सेड सी विल मीट मी एट 5 o'clock। फिर मम्मी क्या बोली कि मैं मुझसे वो 5 बजे मिलेगी, कितने बजे, 5 बजे भी टाइम का है। तो टाइम का है तो क्या हो गया हमारा, एट हो गया, कौन सा प्रीपोजिशन एट हो गया। ये हमारा था प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पे बहुत सारा फिक्स होता है कि मेनली हम इन और एट का बोलेंगे, बात करेंगे। इन मेनली क्या होता है, इन हम लोग कब यूज करते हैं, क्योंकि इन और एट में बहुत कंफ्यूजन होता है कि इन और एट कब हम लोग यूज करें, कहाँ यूज करें। इन में जब भी होता है ना कि जब भी हम लोग चार दीवारी के अंदर हो, मेनली मान लो कहीं कोचिंग में हो, क्लास में हो, या फिर कहीं भी जहाँ से वो सब जगह से बाउंडेड हो, कोई भी जगह में, तो हम लोग इन करते हैं। जैसे कि आई एम इन माई होम, ठीक, हम लोग कहाँ है, हम लोग घर में अपने, तो घर में सब जगह से बाउंडेड है हम लोग, तो हमारा क्या हो गया, इन प्रीपोजिशन से हो गया।
हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, आई एम इन दिल्ली। तो आप लोग बोलेंगे दिल्ली है, दिल्ली तो बाउंडेड नहीं है। तो क्या अगर आप लोग दिल्ली के कोई पर्टिकुलर प्लेस में रहते होंगे ना, क्या आप लोग पूरा दिल्ली पर स्प्रेड हो जाएंगे? क्या आप पूरा दिल्ली पर सोके बोलेंगे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ? नहीं ना, किसी दिल्ली के पर्टिकुलर प्लेस, सोसाइटी, गली किसी में होंगे ना। इसीलिए हमारा इन लगा, क्यों? क्योंकि जो इतना बड़ा दिल्ली है, इसके बीच में कहीं होंगे आप, ऑल ओवर दिल्ली में स्प्रेड नहीं होंगे, तो ये चारों तरफ से बाउंडेड हुआ ना, इसीलिए हम लोग इन लगा। ठीक है, अगर कोई बोलेगा आई एम एट जमशेदपुर, आई एम इन जमशेदपुर, इसका मतलब जमशेदपुर में आप है ना, जमशेदपुर में और सब बगल में जो स्टेट्स है, ग्रह सोसाइटीज है, आप जमशेदपुर के कोई पार्ट में होंगे, कोई कॉर्नर में होंगे, इसीलिए हमारा इन लगा, बॉन्डेड हुआ ना जमशेदपुर एंड दिल्ली हमारा, इसीलिए बॉन्ड पे हमारा इन लगा। यूज ऑफ एट पे आते हैं, देखिए एट में कोई पर्टिकुलर चीज होना चाहिए, जैसे बता रहे आई एम एट इंडिया गेट। ठीक, मैं इंडिया गेट पे हूँ, तो इंडिया गेट एक पर्टिकुलर प्लेस है ना, एक फिक्स प्लेस है ना। ठीक, जैसे दिल्ली में इंडिया एक ही गेट है ना, इंडिया गेट, और तो कुछ नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर प्लेस फिक्स है। जो भी पर्टिकुलर कोई चीज़ होता है ना, वहाँ पे हमारा एट लगता है। इन में क्या था, पर्टिकुलर प्लेस नहीं था, लेकिन क्या था, हम बाउंडेड होना चाहिए। एट में हमारा कोई पर्टिकुलर चीज होता है, लेकिन एग्जाम्पल की आई एम एट निको पार्क, निको पार्क भी पर्टिकुलर प्लेस है ना, एक पर्टिकुलर प्लेस पे फिक्स होता था ना कि निको पार्क यहाँ से वहाँ घूम के चलता है, लोग होता नहीं, वो फिक्स एक पर्टिकुलर प्लेस पे, हमारा निको पार्क क्या भी पर्टिकुलर प्लेस पे है, तो यहाँ पे हमारा एट लग गया। जब भी कोई चीज पर्टिकुलर प्लेस पे रहा, फिक्स रहा वो, तो वो हमारा एट लगता है। और इन का पता है यूज, इन कब लगता है, जब हम सब जगह से वो बाउंडेड हो तब इन लगता है। आज हम लोग बात की प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और टाइम के बारे में। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का मतलब क्या देखी थी, अगर जब भी टाइम का बात हो हमारा एट लगेगा, एंड कैलेंडर में जब भी डेट्स एंड डेट रहा, ऑन एंड मंथ एंड ईयर का इन। प्लेस में क्या बोलते हैं, जब भी इन बाउंडेड रहेगा, एंड एट में क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस फिक्स होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई चीज़ होना चाहिए। ठीक, ये आज हमारा प्रीपोजिशन और प्लेस एंड टाइम भी कंप्लीट हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू हो, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।